चाय मेरे हाथ में है, एक मेरी है और एक पापा की। हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजने वाले हैं 7। क्या कर रहे हो आज? अयान इधर पी रहा है चाय। और क्या लिए हो आज? बिस्किट। कौन सा बिस्किट है भैया? तो दोस्तों अभी सुबह के बजने वाले हैं 7 और हम सब सो के उठ गए हैं। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि कल जो हमारा अधूरा काम रह गया था ना, उसे आज पूरा करना है, इसीलिए ही मैं यहाँ पे ठहरी हूँ। और उसके साथ साथ मुझे अभी को तैयार करवाना है, क्योंकि कल सुबह निकली थी जल्दी ना, तो अभी को नहीं नहलाई थी 5 मिनट। तो दोस्तों कैमरा मैन को खांसी आ गई थी, तो कैमरा मैन ने मुझे स्टॉप करवा दिया था। क्या बता रही थी? हाँ, कल अभी को नहीं नहलाई थी, सुबह निकली थी घर से जल्दी, तो इसलिए आज भी अभी फिर से टाइम हो रहा है। और आज अभी जगह बदली है, पानी और जगह जब भी बदल जाता है बच्चों को जल्दी से खांसी और सर्दी हो जाती है। तो मैं नहलाऊंगी नहीं अभी को, सिर्फ मैं नहाऊंगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आप सभी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलो नहा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाथ में साबुन क्या है? सुबह के दोस्तों जो है 7:15 बजे का टाइम भी हो रहा है, और आज यहाँ पे लेट भी उठी हूँ, क्योंकि कल इतना लंबा रास्ता हम लोगों ने तय किया था ना, कि थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वैसे भी हम डेली घर में चलते फिरते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते, पर बाइक पे बैठ के आना जाना तो कमर और पैरों में जैसे स्वेलिंग सी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये था कल जब हम लोग वहाँ से वापस आए थे ना, तो उसी के बीच मैंने जब व्लॉग की एंडिंग की थी उसी टाइम मैंने थोड़ा सा ये रिकॉर्ड किया था। और ये भाई आया था उसी टाइम वापस, तो फिर वो लेके आया था पपीता, क्योंकि अयांश को पपीता कुछ ज़्यादा ही पसंद है और हर टाइम वो पपीते की फरमाइश करता रहता है। तो बस भाई जो है वो पपीता लेके आया, और फिर यहाँ पे अंजू कट कर रही थी, प्लेट में लगा रही थी, क्योंकि भाई को और देवर जी भी बैठे थे वहीं पे, तो उन लोगों को देने के लिए। और ये था काला नमक, और इसमें थोड़ा बहुत मिक्स किया हुआ है भुना हुआ जीरे का पाउडर, तो थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग हो जाता है, बदल जाता है, अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे बैठ के ये लोग खा रहे थे, खुद से ही भाई ने ले लिया था, पर हम लोगों को पता ही नहीं चला था। अंजू तो उधर प्लेट ही लगाती रह गई, और भाई इधर अपना कट वगैरह करके खाने लगा। ये देखिए प्लेट 2 लेके आई थी, पर इन लोगों ने खुद से ही काट के खा लिया था, हम लोगों को पता भी नहीं चला था। उसके बाद अयांश जो है बड़ा सा टुकड़ा लेके खा रहा था अभी, और अयांश पर अभी नहीं खा पाया था तो उसने मुझे दे दिया था। फिर उसका जो है मैं साफा चट कर रही थी, और फिर उसके बाद कांटे वाले चम्मच लगा के थोड़ा बहुत जो पीसेस कटे थे ना उसमें का भी मैं खाई। और फिर जो है माही यहाँ पे नहा ली थी दोस्तों, और उसके बाद हम भी यहाँ पे नहा के आ गए हैं। और मैंने बताया ना आप सभी को कि अभी को मैं कल भी नहीं नहलाई थी, और आज भी इसको मुझे नहीं नहलाना है, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। एक दिन के लिए यहाँ आया, और पानी अगर बदल गया तो फिर बीमार पड़ जाएगा। और उसके बाद मैं इनको लगा रही थी काजल, कभी कभी थोड़ा बहुत तंग करता है, नहीं तो बहुत अच्छे से अभी काजल लगवाता है एकदम से खड़ा होके, जब नींद में होता है, जिस टाइम मैं रात में लगाती हूँ ना, कभी कभी आंखें होती है कि रात में लगाना चाहिए बच्चों को काजल वगैरह, तो उसी टाइम थोड़ा सा ये मुझे तंग करना है करता है, नहीं तो फिर बहुत अच्छे से करता है काजल लगवाता है। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ कपड़े वगैरह पहन करके, बस माही को देखना है कि वो क्या कर रही है। तो इधर मैं चल रही हूँ माही बाहर की तरफ, तो माही भी यहाँ पे कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो चुकी थी, क्योंकि हमें घर के लिए निकलना है। और हम सोच रहे हैं कि वापस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर वापस हम नहीं आएंगे, सीधे घर के लिए चले जाएंगे, अभी सोच रहे हैं, पर देखते हैं कि क्या करना है। अभी शायद कुछ चलते चलते कोई ना कोई फिर वहाँ से वापस आते आते काम याद आ जाए, या फिर कुछ और काम निकल आए। अभी कुछ मतलब ठीक से क्लियर नहीं है कि हम लोग वापस घर जाएंगे, मतलब चले जाएंगे या फिर यहाँ आएंगे, तो अभी देखते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। और आप सभी जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों आप सभी के प्यार और सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, और आप सभी जितना हो सके हमें आगे ले जाइए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी मत किया करो, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है,
सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर बढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियो उनके दिल को छू रही है, कुछ ना कुछ लोग हमसे मोटिवेट हो रहे हैं तो इसलिए वो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे माही की चोटी मैंने बना दी है, अभी को भी तैयार कर दिया है। मैंने भी बाल में कंघी वगैरह की थी पर सिंदूर अभी तक नहीं लगाई थी तो थोड़ा सा मैंने लगा लिया है सिंदूर। अभी देखिए 7:30 बजने वाले हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं पी रही हूँ चाय अभी, क्योंकि चाय अभी मैं नहीं पी हूँ, देखती हूँ। तो चलिए जी, फाइनली हमारी फुल तैयारी तो हो चुकी है पर अभी तक पेट पूजा नहीं हुआ है क्योंकि ना ही मैं नहाई थी और ना ही मैंने ब्रश किया था। तो चाय अभी निकल गई है हमारी। दोस्तों दो चाय मेरे हाथ में है, एक मेरी है और एक है पापा की। कहाँ के पापा? चाय चाय आपको नहीं पीना, बिस्किट खाए हो ना आप? झूठ बोल रहे हो। फिर मैं पूरा तैयार लूंगा। वो नाना की चाय है, उसको आपको नहीं छूना है। एक साइड तैयारी यहाँ पे हो रही है खाना बनाने की और आज बन रहा है खाना मम्मी के यहाँ। ये सहजन है, इसकी सब्जी। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मुनगा बोल सकते हैं इसे हम लोग ऐसे इस भाषा में, मुनगा एकदम सॉफ्ट रहता है तो ऐसे बोलते हैं। और अभी सॉफ्ट है तो इसका अलग टेस्ट रहता है खाने में, और जब थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है ना तो उसका अलग टेस्ट रहता है, पर वो भी अपनी जगह बहुत ही टेस्टी लगता है और ये भी अपनी जगह बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक थैली की ज़रूरत थी तो हम बना रहे थे एक थैला, मतलब ढूंढ ढूंढ के पूरे घर में हो गए थे परेशान, मिल ही नहीं रहा था कहीं। मतलब इतने थैले थे ना घर में सारे, पता नहीं कहाँ। पापा का ऐसा काम है, उन्हें थैलों का काम रहता ही रहता है तो थैलों की ज़रूरत उन्हें रहती है। हालाँकि थैले तो घर में बहुत सारे होते हैं क्योंकि पापा का काम है थैलों का, उनका मतलब उनको इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कभी कभी उनको होता है ना कि वो दुकान पे ले जाते हैं और एक दिन रख के चले जाते हैं, दोबारा जाते हैं फिर से छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी जो है घर में जो थे ना सारे तो इधर उधर दुकानों पर पड़े हुए हैं, उनका ऑर्डर रहता है ना तो वहाँ यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं लेके सामान तो वहीं पर छोड़ के चले आते हैं, फिर अगले दिन 2-3 दिन पर जब भी जाते हैं तो लेके आते हैं। तो ऐसे ही थैलों की हो गई थी कमी और हमें ज़रूरत थी एक थैले की क्योंकि हमें कुछ लेके जाना था सामान हमारे साथ में। तो अभी हम बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गए हैं दोस्तों और हमारा जो अभी फाइनल डिसीजन हुआ ना कि वापस हम घर जाएंगे कि आएंगे, तो शायद शायद नहीं, हमें आना पड़ेगा अभी क्योंकि कुछ काम अभी और है जो वापस आने के बाद हम करेंगे यहाँ पर। तो अभी तो हम निकल रहे हैं और माही अभी को हमने आगे बिठा दिया, माही हमारे साथ ही चल रही है। टाइम हो रहा होगा 8 बजे का। तो दोस्तों हम हमारी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे और सफ़र काफ़ी लंबा है, रास्ता एकदम से क्लियर है क्योंकि सुबह सुबह ना मस्त नज़ारा रहता है और भीड़ भाड़ भी नहीं। तो दोस्तों अभी देखिए हमें जहाँ पहुँचना था ना पहुँच चुके हैं हम और हमारा काम अभी हो चुका है और आज काम हमारा जो है वो हो जाएगा। मुझे कुछ सामान लेना है, वही लेने के लिए मैं चल रही हूँ बाहर। और घर से पहले से कुछ हमने सामान लिए थे पर कुछ चीज़ें चाहिए जो अभी मुझे लेना है। थोड़ा पहले हम लोग आज आ गए थे, कल काम नहीं हो पाया था इसलिए आज पहले आ गए हैं। तो कुछ सामान लेना है, सामने यहाँ पे है लगी हुई है दुकान, यहाँ से कुछ हम ले लेते हैं चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है फिर चलते हैं और आज हमारा काम फाइनल हो जाएगा। तो मुझे आज अच्छा लग रहा है, खुश भी हूँ मैं भैया। तो दोस्तों अभी देखिए देवर जी गाड़ी साइड में लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ रास्ते में थी, जो भैया लोग सामने खड़े हैं ना वो बोल रहे हैं कि गाड़ी को साइड में करो। तो बस तो आज जो है दोस्तों काम हमारा हो चुका है और काम होने के बाद यहाँ पे एक चाची जी थी जो हमें मिल गई थी, काफी प्यारी बहुत अच्छी थी, इनसे हमने खूब सारी बातें की। हाँ क्या हुआ? तो दोस्तों देखिए हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे आज हमारा काम हो गया है और वापस भी हम लोग आ गए वापस भी आ गए हैं तो हम लोग करीब अभी अपने घर के करीब पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, पियेंगे
क्या पियेंगे भाई? गन्ने का जूस, गन्ने का जूस पियेंगे, फिर उसके बाद घर के लिए निकलते हैं क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा। ठंडा है पानी? माई कह रही थी पेट्रोल टंकी पे ठंडा पानी मिलता है, मम्मी जा रहे हैं ले आने, पर ठंडा नहीं वैसा ही है। है।